शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये क्या है काव्या? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने एक बार भी अपने माँ बाप को पूछना ठीक नहीं समझा? मैंने अब तो उनको कॉल किया था, आप लोगों में से किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। यही बताने के लिए मैं कॉल करने की कोशिश कर रही थी। अगर फोन नहीं उठाया तो क्या बताए बगैर ही तुम अपनी दूसरी शादी कर लोगी? तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी तुमने एक बार भी नहीं सोचा? इतनी क्या जल्दी थी काव्या? इतनी विनती करने के बावजूद भी इसने मुझे धोखा दिया? ये आदमी बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं है। ये तो भला हो सना का, जिसने हमें शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे पता नहीं आज क्या हो जाता। चलो आयुष। माँ मेरी बात तो सुनो। आयुष, हमेशा से तुम्हारी सुनती आई हूँ, पर अब तुम सुनोगे। आयुष, काव्या के प्यार के चक्कर में हमेशा से तुम ही बलि का बकरा बनते आए हो। पर अब बस, अब मैं तुम्हें और कुर्बान नहीं होने दूंगी। चलो, ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है। तुम्हारी मर्जी? मैं तुम्हारी मर्जी को बिल्कुल भी नहीं मानती हूं। तुम्हारी शादी काव्या से नहीं होगी तो नहीं होगी, बस चलो यहां से। मां जैसा आप सोच रही हो। रुकिए मंजरी जी, आए आप ऐसे जबरदस्ती हमारे दूल्हे को लेकर नहीं जा सकते। मैं अपने बेटे को यहां से लेके जा रही हूं। कौन होते मुझे यहाँ रुकने वाले? मैं इस भारत के कानून को जानने वाला, समझने वाला एक आम नागरिक हूँ। और जहां तक मेरी समझदारी है, आपका बेटा और काव्या जी दोनों बालिक हैं और दोनों अपनी मर्जी से शादी करें। तो आप होती कौन है इसे यहां से लेकर जाने वाली?